मेरी बात सुने, मेहमानों को बुलवा लिया और मुझे बताया तक नहीं। नहीं याद रहा, तुमने कौन सा गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने उन्हें? घर का हुलिया देखा है आपने? हाँ, पिछले 25 साल से देख रहा हूँ ऐसा ही रफ एंड टफ। हद करते हैं वैसे आप, लड़की के रिश्ते के लिए मेहमानों को बुलवा लिया और घर में किसी को बताना मुनासिब भी नहीं समझा। फिजिक्स में पोस्ट डॉक कर रहा है प्रोफेसर सालेहा का बेटा, और पूछो क्या पूछना है। पूछना ये है कि रिफ्रेशमेंट पे क्या अपना एक गुर्दा पेश कर दूं या साथ में कलेजी भी दे दूं? उनके रिफ्रेशमेंट में दो चार चीजें भी नहीं बना सकती। ठीक है, फिर हलीमा भाभी को मैं फोन कर देता हूँ, वो तो खड़े खड़े 10 लोगों का खाना भी तैयार कर देंगे। अरे भाई कुछ तो सलीका सिखा दो अपनी औलाद को। I'm sorry, अब्बा, थोड़ी सी तो गिरी है। अब तमीज से MS कर रही हो और कचरा डस्टबिन में डालते हैं ये भी नहीं पता? इस कचरे से मेरा MS का क्या ताल्लुक? जो डिग्री शऊर ना दे सके वो कचरे में फेंकने की ही मुतरादिफ होती है। सॉरी अब्बा, मिठा दूं। तो पहले ही ना किया करो ना ऐसी बचकाना हरकतें। भई इसके साथ बहस करने के बजाय जाके ड्राइंग रूम तो समेट लो। अरे हो जाएगा, अभी जाऊंगी समेटूंगी, जाहिरी बात है। कोई आ रहा है क्या? तुम्हें देखने के लिए। मैं सर्कस में रखा कोई आइटम हूँ जो मुझे देखने के लिए आ रहे? ये किसी सर्कस से कम भी नहीं है पूरा घर। नेहा किधर है? गई आदम की तरफ हो। उसे समझा देना कि लड़के वालों के सामने एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत नहीं है। फरमाइए। सब्जियां तो मैं काट रहा था, आप क्यों काटने को दौड़ रही हैं? गुस्सा आ रहा है मुझे अब्बा पर। अल्लाह खैर क्या हो गया, इतने क्यूट से तो हैं कुतुब अंकल, क्या खता हो गई उनसे? खैर कुछ नहीं, आप बताएं क्यों कॉल किया आपने मुझे? याद है हमने मेरी किताबें लेने के लिए जाना था, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं, अभी चलें? अभी अभी तो अब्बा ने बुलवा रखा है कुछ मेहमानों को मेरे रिश्ते के लिए।